मुसीबतें ही सिखाती हैं इंसान को जिंदगी जीने का हुनर। कामयाबी का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं होता। चिंता या तनाव में इंसान तभी होता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। कुछ दिन खामोश होकर देखना, लोग सच में भूल जाते हैं। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों के बुराई के धागे आपके पैरों में आकर टूट जाएं। मतलब की बात सब समझते हैं, पर बात का मतलब कोई नहीं समझता। कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं हम, क्योंकि डर लगता है कि कोई अपना रूठ न जाए। हर चीज उठाई जा सकती है सिवाय गिरी हुई सोच के। धोखा भीड़ में खो गया था और किस्मत कहाँ रहती है हमें आज तक पता नहीं। मिट्टी का बना हूँ महा को ठूंगा, बस तू एक बार वे इंतहा बरस के तो देख। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। एक सवेरा था जब हंस कर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाते हैं। वे लोग कभी नहीं रूठते जिन्हें मनाने वाला कोई न हो। हाथ में टच फोन बस स्टेटस के लिए अच्छा है, सबके टच में रहो जिंदगी के लिए ज्यादा अच्छा है। कड़वी बात है पर सच है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। यदि एक पवित्र मन के साथ कोई व्यक्ति बोलता या काम करता है तो कभी न जाने वाली परछाई की तरह खुशी उसका पीछा करती है। मिल जाएंगे हमारी भी तारीफ करने वाले, कोई हमारी मौत की अफवाह तो फैलाओ। मिल जाएंगे हमारे भी तारीफ करने वाले, कोई हमारी मौत की अफवाह तो फैलाओ। आवाज का लहजा एक पल में बता देता है कि रिश्ता कितना गहरा है। जिंदगी के लिए नियम, कभी भी यह मत सोचिए कि आप कुछ भी नहीं। कभी ऐसा भी मत सोचिए कि आप ही सब कुछ हैं, पर हमेशा यह सोचिए कि आप कुछ तो हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। ये ना पूछना जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी है जिन्हें जिंदगी सब देती है। कोई याद नहीं करता जब तक मैं खुद ना करूं याद, ऐसी हालत में कैसे कह दूं मेरे अपने बहुत हैं। असंभव समझे जाने वाले कार्य संभव करके दिखाएं, उसे ही प्रतिभा कहते हैं। मतलब से अच्छा बनने वाले तो हजारों मिल जाएंगे। दुनिया से कुछ अलग बनना है तो बिना मतलब के अच्छे बनो। घर में अगर कोई बूढ़ा है तो उसे भार की बजाय भाग्य समझिए, क्योंकि बूढ़ा पेड़ फल दे या ना दे पर छाया जरूर देता है। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। मीठी बात करने वाले तो चापलूस होते हैं। इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े, और मिठाई में तो अक्सर कीड़े पड़ जाया करते हैं। चेहरे अक्सर झूठ भी बोला करते हैं, रिश्तों की हकीकत वक्त पर पता चलती है। अपनी किस्मत को कभी दोष मत दीजिए, इंसान के रूप में जन्म मिला है, एक किस्मत नहीं तो और क्या है। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वो आपको बरसों का तजुर्बा देते हैं। शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, पर महान होने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है। हाँ, जिंदगी में थोड़ा अकेलापन आजमाते हैं। पैसे खत्म हो गए हैं, रिश्तेदारों में ये खबर फैलाते हैं, सबने पैसा तो बहुत कमा लिया, पर उस पैसे का क्या मोल है। अपनों का प्यार और अपनों से रिश्ता इन पैसों से कहीं अधिक अनमोल है। अच्छे लोगों के संगत में रहो, सुनार का कचरा भी बनिए कि बादाम से महंगा होता है। खुद को काट कर भी रख दोगे तो भी यह दुनिया आपसे खुश नहीं होगी, इसलिए वह करो जो मन चाहे, वह नहीं जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलते वक्त नहीं लगता। वो हैरान है मेरे सबर पर, तो कह दो उसे जो आंसू दामन पर नहीं गिरते वो दिल में गिरा कर। किताबों की अहमियत अपनी जगह जनाब, सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पे घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। ये भी अच्छा है कि ये दिल सिर्फ सुनता है, अगर बोलता होता तो कयामत हो जाती।
औरत मोहब्बत करने वाले को शायद भूल जाए, मगर इज्जत देने वाले को कभी नहीं भूलती। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। एक धोखे से भी हिल जाती है जमीन एतबार की साहब। जिंदगी तबाह करने के लिए भूकंप आए जरूरी नहीं। कभी किसी के लफ्ज इतने चुभ जाते हैं कि हम चुप हो जाते हैं और सोचते हैं क्या वाकई में हम इतने बुरे हैं। अधिक सीधा होना भी जरूरी नहीं होता, सीधे पेड़ सबसे पहले काट लिए जाते हैं। खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह शक्ल और कपड़ों में टटोल लेते हैं। अगर आपको देखना ही है तो हर किसी में खूबियाँ देखो। अगर आपको कुछ छोड़ना ही है तो अपनी कमजोरियाँ छोड़ो। छोड़ दिया सबको बिना वजह परेशान करना। जब कोई अपना समझता ही नहीं तो उसे अपनी याद दिलाकर क्या करना। भूल कर भी अपने दिल की बात किसी को मत बताना। यहाँ कागज भी जरा सी देर में अखबार बन जाता है। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, उससे कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। दुनिया के दो असंभव काम, माँ की ममता और पिता की क्षमता का पता लगाना पाना। कमियाँ तो मुझ में भी बहुत हैं, पर मैं बेईमान नहीं। मैं सबको अपना मानता हूँ, सोचता हूँ फायदा या नुकसान नहीं, एक शौक है शान से जीने का। कोई और मुझ में गुमान नहीं। छोड़ दूँ बुरे वक्त में अपनों का साथ, वैसे तो मैं इंसान नहीं। दर्द हमेशा अपने ही देते हैं, वरना गैरों को क्या पता आपको तकलीफ किस बात से होती है। बुरे समय का आना भी एक तरह से अच्छा है, जब ये आता है तो कुछ सिखा के जाता है। दोस्तों से अच्छे तो मेरे दुश्मन निकले, जो बात बात पर कहते हैं कि तुझे छोड़ेंगे नहीं। लोग जलते रहे मेरी मुस्कान पर, मैंने दर्द की अपने नुमाइश ना की। जब जहाँ जो मिला अपना लिया, जो ना मिला उसकी ख्वाहिश ना की। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाया वो शब्दों को क्या समझेगा। खुश हूँ अपनी छोटी सी पर सच्ची कामी से। कदमों की रफ्तार धीमी जरूर है, पर जितनी है अपने जमीर के साथ। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उसे झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना पसंद है। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उसे झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना पसंद है, लेकिन सच्ची आलोचना सुनकर संभलना नहीं। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। किताबों की अहमियत अपनी जगह है जनाब, सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। भरोसा लफ्ज छोटा सा है, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। एक पहचान हजारों दोस्त बना देती है, एक मुस्कान हजारों गम भुला देती है। जिंदगी के सफर में संभल कर चलना एक गलती हजारों सपने जला कर राख बना देती है। तजुर्बे बड़े हो तो फैसले कभी गलत नहीं हो सकते। यह मत सोचो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, बल्कि यह सोचो कि मेरे अलावा कर कौन पाएगा। यदि कोई तुम्हें नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत से बाहर महंगी चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत शौक था सबको जोड़े रखने का, होश तब आया जब अपने वजूद के टुकड़े देखे।